मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ बिकॉज जी रिश्ते अवार्ड्स पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैं. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. काफ़ी नर्वस भी हुआ एंड एक्साइटेड भी हुआ एट द सेम टाइम. मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. मैं जैसे अंदर जाके एंजॉय करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ यही पता है. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आज की शाम को लेके मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम एंकरिंग द इवेंट. तो बहुत ही नर्वस हूँ मैं बिकॉज स्टेज फ्राइट है. और पिछली बार नॉमिनेशन पार्टी मेरी माँ सरला माँ ने एंकर किया था, होस्ट किया था. तो इस बार मैं हूँ तो आई एम वेरी वेरी नर्वस. और अभी तो सब लोग आना शुरू हुए हैं और हमारी बैक स्टेज की तैयारी अभी से चालू है. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. मैंने किसी से कुछ टिप नहीं ली है बिकॉज हम तीन दिन से स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे एंड देन आई मेट माई को एंकर गुंजन उत्रेजा. उन्होंने भी मुझे कुछ बोला कि देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. सो आई एम जस्ट एब्जॉर्बिंग ऑल द थिंग्स एंड आई जस्ट होप दैट आई डोंट एफ इट अप ऑन द स्टेज. मैं ये कहना चाहती हूँ मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरे पहले जी रिश्ते अवार्ड्स हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कौन कौन नॉमिनेट होता है. एंड मैं जितने मेरे बाकी शोज़ के फ्रेंड्स हैं और आर्टिस्ट हैं उनसे मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और खूब सारा प्यार दे रहे हैं. एंड आई होप कि जितना वो हमें अभी प्यार दे रहे हैं उससे और भी ज़्यादा प्यार हमें अपकमिंग एपिसोड्स में दें. एक्चुअली इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं चैनल की टीम से, प्रोडक्शन हाउस की टीम से, जो हमारा आउटफिट डिसाइड करते हैं. और इनफैक्ट मुझे कलर बहुत सुंदर लगता है तो उनका ही ये पूरा क्रिएटिविटी है और ये पूरा डिज़ाइन है. तो अगर मैं अच्छी लग रही हूँ सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू दोज क्रिएटिव पीपल. कि आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपका रिस्पांस देख के. आप ऐसे ही अगर तुम ना होते देखते रहिए, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए. और अभी आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ हमारा शो ही नहीं, जी के, बिकॉज जी इज़ अ फैमिली, और जी के और भी जितने भी सारे शोज़ हैं आप सारे शोज़ देखिए क्योंकि सब शोज़ बहुत ही बढ़िया हैं. थैंक यू. थैंक्स. Confrontational scenes hue. Yes. And very nice they came out finally, I suppose. क्योंकि आई थिंक जो अतीत का राज है कि अभिमन्यु और नियति की शादी बचपन में हो चुकी थी वो मुझे अभी पता चलता है. और मुझे सर ही बताते हैं जो मेरे सीरियल में ससुर जी प्ले कर रहे हैं कि मैं उनकी बहू हूँ. तो उसका आई थिंक रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिला ऑडियंस से. जो इतना बड़ा जो ड्रामा है very, जो बाहर आया है. वेरी नाइस एपिसोड आल्सो, द एंटायर एपिसोड वाज वेरी नाइस आई थिंक बिकॉज ऑफ द एक्टर्स जो आपके सामने एक्टर्स हैं. अगर सर जैसे एक्टर्स आपके सामने हैं ऑटोमेटिकली नो बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑटोमेटिकली यू नो यू फील दिस सीन. और आप जब सामने वाला आपको इतना हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली सीन बहुत अच्छा आता है. लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा आज के यंगस्टर्स के बारे में कि दे आर सो यंग, दे आर इन द अर्ली 20s एंड दे परफॉर्म सो वेल. मुझे याद है जब मैं अर्ली 20s में था, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन मूवीज, आई डोंट थिंक हम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते थे या कह सकते हो कि इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड होते थे. बट टुडेज यंगस्टर्स आर यू, दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट, दे परफॉर्म सो वेल और देयर इज़ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम. इन फैक्ट thank you so much. Now let's go. I know. Okay, bye bye. I would like to thank ZTV for calling me here for this particular nomination party. I am really really thrilled because nomination ka jo pura event hota hai, that's like opening secret ki kis kon nominated hai, kisko awards milenge,
एंड इट्स रियल फन, यू नो, इट्स लाइक अ काउंटडाउन. तो हम सब, पूरी कास्ट हमारी जो है तेरे बिना जिया जाए ना, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. सब लोग आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे और हर किसी को यही लग रहा है कि किसको अवार्ड मिलेगा. एंड मैंने हमेशा से देखा है कि अवार्ड फंक्शंस में जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं, जितने भी अवार्डीज को अवार्ड्स मिलते हैं, वो सारी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है. एंड द पर्पज इज़ बेसिकली टू, यू नो, एक्नॉलेज द एफर्ट्स बींग पुट इन बाई द एक्टर्स. तो इतना ब्यूटीफुल तरीका होता है ये अवार्ड्स देने का. मुझे तो बहुत हमेशा पसंद आता है अवार्ड फंक्शंस में जाना. वहाँ पे जो नॉमिनेशंस जब ओपन होते हैं, तब जो एक दिल की धड़कन बढ़ती है, जो एक्साइटमेंट होती है, नथिंग कैन बी कंपेयर टू दैट, यू नो. सो आई होप इस बार भी हमारी जो कास्ट है उसमें से कई सारे लोगों को ज़रूर डेफिनेटली अवार्ड्स मिलेंगे. शो भी अच्छा जा रहा है. TRPs अभी 1 एंड मे बी अबाव अभी थोड़ी थोड़ी जा रही है. सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्टिमिस्टिक नोट दैट वी आर हियर इन. इट्स अ न्यू शो ऑल दो, बट ऑलरेडी ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत 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 अच्छा मिल रहा है. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी फन. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू माई ऑडियंस ऑल्सो टू कीप वॉचिंग द शो. थैंक यू अगेन ZTV डोम ऑफ एंटरटेनमेंट. थैंक्स अ लॉट. वी आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम नए सदस्य के लिए नॉमिनेटेड हैं. सो यस, वी आर एक्साइटेड. ऑब्वियसली नाउ वी आर पार्ट ऑफ जी कुटुम्ब. सो सबसे पहली बार मिलना होगा पूरे जी कुटुम्ब के साथ. यस, एक्साइटमेंट तो है. टू मच एक्साइटमेंट. रिस्पॉन्स फिलहाल अब तक बहुत अच्छा है. सो फार सबके बहुत पॉजिटिव व्यूज हैं. शो अच्छा जा रहा है. लोगों को कैरेक्टर्स बहुत पसंद आ रहे हैं. लोगों को जोड़ी जोड़ी गुलशन तो बहुत पसंद आ रहा है. सबको सब बहुत पसंद आ रहे हैं. ये दो लोग जो मुझे परेशान करने वाले हैं वो भी पसंद आ रहे हैं. तो सो फार अब तक का जो भी रिव्यू है ऑडियंस का वो बहुत अच्छा है. सो वी आर ग्लैड. मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा हेट कॉमेंट्स दे रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज माई, यू नो, गेन. Thank you. Good evening, everyone. Very excited because पिछले 3-4 साल से मैं खुद ही प्रेजेंट कर रही थी नॉमिनेशन पार्टी. तो आज बहुत अच्छा लगेगा. आराम से बैठकर देखूंगी सामने और देखते कितना मज़ा आएगा. मुझे सुनाई पड़ा है कि मेरी ही कोई एक बेटी शायद उसे प्रेजेंट कर रही है. तो देखते हैं कितना मज़ा आता है जब बेटी माँ को ग्रिल करेगी. तो मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है. हमने तो अभी ZRA का एंथम और प्रोमो शूट किया है और नॉमिनेशन में कौन कौन है वो आज ही खुलासा होने वाला है. अपने परिवार से बहुत लोग होंगे और मिलेगा भी तो अपने परिवार में किसी को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. वैसे भी ये लार्जर कंटेंट में कुटुंब ही है. जिसको भी मिले अच्छी बात है. इट शुड बी लाइक हैप्पी. और जो नहीं मिला उसको अगले साल मिल जाएगा. सो आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू सो मच. ये कॉस्ट्यूम मेरा सैकुरीना, जो मेरी स्टाइलिस्ट है शो पे कुंडली के, उसने बनाई है. आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सिंपल क्योंकि नॉर्मली जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो थोड़ा ग्लिटर और थोड़ा वो स्पार्कलिंग लगना चाहिए. तो आई हैव केप्ट इट सटल एंड नाइस जस्ट लाइक सरला. सिंपल, नाइस बट बोल्ड. सो डार्क कलर. यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच. आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सराहते हैं और आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं. तो सब कुछ आपका ही है. आपके प्यार से आज हम हैं. आपके प्यार से ही ये शाम है. आपके प्यार से ही सब कुछ है. अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.